हेलो, तो मैं आ गई हूँ फिर से आपके पास एक जोश और उमंग के साथ। एसएसटी एंटरटेनमेंट में बच्चों आपका स्वागत है। और अब तो आपको एसएसटी बोरियत नहीं लग रही होगी, समझ में आ रहा है सब कुछ। तो मैं यही चाहती हूँ, टेंशन हमारी, एंटरटेनमेंट आपका। और एसएसटी को किस तरह से प्लानिंग से कैसे पढ़ना है वो सब मैं आपको बता रही हूँ, उसी तरह से आप फॉलो करेंगे। और फिर देखिएगा कि 10th में आपको कितने अच्छे मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स आप लोग लेके आएंगे। ठीक है, तो इसी प्लानिंग के साथ एसएसटी को पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। अरे, यहाँ भी प्लानिंग वर्ड आ गया। प्लानिंग की बात कर रहे हैं और प्लानिंग वर्ड आ गया। भाई, आप भी प्लानिंग कर रहे हैं कि अच्छे मार्क्स आ जाएं और यहाँ रिसोर्स की प्लानिंग हो रही है, राइट? तो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग मतलब एक तरीका कि कुछ हम अच्छा अचीव कर सके, इसीलिए प्लानिंग होती है। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग के बारे में बताया है एनसीईआरटी में कि प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस की प्लानिंग है भाई, तो उसको बहुत ही जुडिशियसली यूज करना पड़ेगा। उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो क्या होगी? रिसोर्स प्लानिंग होगी। क्लियर? आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आप एसएसटी में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। ठीक है, तो आपकी वो प्लानिंग है, तो उसके लिए भी आप स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। क्लियर? तो यही प्लानिंग है, यही रिसोर्स की प्लानिंग है कि रिसोर्स को कैसे यूज किया जाए। हाँ, रिसोर्स प्लानिंग, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का जुडिशियसली कैसे यूज हो, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी को एक्सेप्ट किया गया है, वही क्या कहलाएगी आपकी? रिसोर्स प्लानिंग कहलाएगी। इट हैज इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। देखिए, इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे क्या है, रिसोर्सेस तो काफी मात्रा में है, बट क्या है, डाइवर्सिटी बहुत है। डाइवर्सिटी मीन्स कहीं तो रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है और कहीं रिसोर्सेस बहुत कम है। दे आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कुछ ऐसी जगह है, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तो बहुत अलग अलग तरह के रिसोर्सेस हैं, बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेस। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, रिसोर्सेस की शॉर्टेज है। देयर आर सम रीजंस व्हिच कैन बी कंसीडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड देयर आर सम रीजन व्हिच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेस। तो ये मतलब हम इंडिया की इस डाइवर्सिटी को देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपको डाइवर्सिटी मिल रही है रिसोर्सेस को लेके, कि कहीं तो सफिशिएंट है और कहीं बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। एग्जाम्पल आपके यहाँ पे दिए हैं एनसीईआरटी में कि द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। ये जो स्टेट है झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, यहाँ तो क्या है, मिनरल्स और कोल डिपॉजिट काफी ज्यादा मात्रा में है। और अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पे अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्सेस तो काफी मात्रा में है, बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है, इसकी बहुत ही कमी है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडाउड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेस। जो राजस्थान है आपका, वहां पे आप देखते हैं कि राजस्थान की जो रेगिस्तानी इलाका है वहां पर तो सोलर और विंड एनर्जी की तो वहां पे काफी ज्यादा संभावना है। इसको तो हम सोलर और विंड एनर्जी को तो वहां अच्छी तरह से कैप्चर कर सकते हैं, बट वाटर रिसोर्सेज की वहां पे बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। इसी तरह से आप देखिए जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इसी तरह से जो लद्दाख है वो क्या है, एक तरह से वो आइसोलेट है दूसरी कंट्री से, तो वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वहां पे
जो है रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, उसको डेवलप करने के लिए हमें रिसोर्सेज वहां तक पहुंचाने होंगे. इट हैज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज डेफिशिएंट इन वाटर. तो जो लद्दाख है कल्चरल हेरिटेज के अकॉर्डिंग तो रिच है बट डेफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है. This call for balanced resource planning at the national, state, regional and local level. इस diversity के कारण ही क्या जरूरत हो जाती है रिसोर्स प्लानिंग की, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक रीजन जो है जिसमें बहुत ज्यादा रिसोर्स है वो तो उसमें तो रिसोर्सेज का यूज हो रहा है, दूसरी जगह रिसोर्सेज पहुंचे नहीं तो वो बैकवर्ड हो जाए. तो उसके लिए बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग करने की जरूरत है. तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पे रिसोर्सेज है वहां से दूसरे ऐसी जगह जहाँ पे नहीं है वहां पे रिसोर्सेज को पहुंचाया जाता है. तो ये एक बैलेंस प्लानिंग जो करनी पड़ती है रिसोर्स की, वो ही क्या करती है एक देश को एक कंट्री को आगे डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, राइट. तो इधर देखिए द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन. बार बार इसी बात को मैं कह रही हूँ आपको कि जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी एक किसी भी रीजन के लिए डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही नेसेसिटी है. इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि किसी ऐसे रीजन में जहाँ पे रिसोर्सेज की शॉर्टेज है तो दूसरे रीजन से हम वहाँ पे रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर रहे हैं. बट मैन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट. लेकिन यदि देखो नेसेसिटी चाहिए रिसोर्सेज की, लेकिन यदि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है बट एब्सेंस किस चीज की है, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशन इन चीजों की यदि एब्सेंस हो जाए, यदि टेक्नोलॉजी सही नहीं मिले और इंस्टीट्यूशंस नहीं मिले तो क्या होगा, उससे डेवलपमेंट में क्या आ जाएगी, एक रुकावट आ जाएगी, एक बाधा आ जाएगी, डेवलपमेंट रुक जाएगा. तो इसीलिए जो है रिसोर्सेज के साथ साथ ह्यूमन बीइंग जो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है उससे ही क्या आपस में इनका जो इंट्रैक्शन होता है वही एक देश के लिए क्या करेगा, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएगा. स्टार्टिंग में जो आपको मैंने ट्रायंगल वाली बात बताई थी याद करिए स्टार्टिंग में, तो उस स्टार्टिंग में हमने यही आपको बताया था कि इनका इंट्रैक्शन है इसका ह्यूमन बीइंग का जो है टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के साथ में वो क्या कर रहा है, नेचुरल रिसोर्स को आपस में इंटर रिलेटेड करके एक कंट्री के लिए डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है. मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसको मैंने उसमें इस चीज को मैंने शो किया है. द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स. ये देखिए आपको ये सब बातें आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया को जो है अंग्रेजों ने अपना कॉलोनाइजेशन के थ्रू उन्होंने इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था. वो किस वजह से, क्योंकि इंडिया में जो है रिसोर्सेज की कोई शॉर्टेज नहीं थी और उन्होंने वहां से अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी कैपिटल के थ्रू उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन रिसोर्सेज को यूज करना स्टार्ट किया था. इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज दैट हैव them to exploit resources of other region and establish their supremacy over the colonies. इन्होंने यहीं के रिसोर्सेज से क्या किया, अपने यहाँ अपनी टेक्नोलॉजी उसके थ्रू क्या है रिसोर्सेज को उसका यूज किया और अपनी कंट्री को उन्होंने काफी आगे उन्होंने बढ़ाया था. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. इसीलिए जो resources हैं उनका सही ढंग से use कब होगा, जब किसके साथ link हो, technological development और institutional changes के साथ जब उनका interconnection होगा तभी resources का सही use होगा और तभी वो एक development की ओर आगे लेके जाएगा.
India has experienced all this in different phases of colonization. India ne colonization ke samay in sare phases ko experience kar liya tha. Unhone dekha tha ki hamare yahan resources ki kami nahi hai aur kis tarah se England ne jo hai apne institutional changes aur technological development ke through resources ko kis tarah se apne control mein lekar ke apne jo hai India ke resources ko apne liye use kiya. Right? तो इंडिया ने ये सब एक्सपीरियंस कर लिया था. Therefore, in India, development in general and resources development in particular does not only involve the availability of resources, but also the technology, quality of human resources, and the historical experience of the people. India ने ये सब महसूस किया. इंडिया को ये सब चीजों की नॉलेज होगी कि खाली रिसोर्सेज होना ही सफिशियंट नहीं होगा. है उसकी प्लानिंग किस तरह से की जाए, किस तरह से टेक्नोलॉजी और जो आपका इंस्टीट्यूशंस के थ्रू किस तरह से रिसोर्सेज को ठीक ढंग से यूज करके कंट्री क्या कर सकता है, अपना डेवलपमेंट कर सकता है. इसीलिए जो ह्यूमन है, ह्यूमन क्या है, इसीलिए ह्यूमन को भी एक रिसोर्स कहा है, क्योंकि वो ह्यूमन जो है वही क्या कर रहा है, उन रिसोर्सेज की प्लानिंग कर रहा है, उसको ठीक ढंग से यूज कर रहा है. इसीलिए तो ह्यूमन रिसोर्सेज का जो है एक डेवलपमेंट, एक कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है. क्लियर? नेक्स्ट देखिए आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो देखिए जब रिसोर्सेज जो आपको पता है कि बहुत ही लिमिटेड है और उनका बहुत ही सोच समझ करके यूज होना चाहिए, तो ऐसे रिसोर्सेज को कंजर्व करना भी बहुत जरूरी है. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में बताया है कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए जो रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बट इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. लेकिन आपको मैंने पहले भी प्रॉब्लम्स बताई थी कि यदि इनका बहुत रिसोर्सेज का ठीक ढंग से यूज नहीं होगा, इनका इरेशनल कंजम्पशन होगा, ओवर यूटिलाइजेशन होगा, तो क्या होगा, उससे सोशो इकोनॉमिक का एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होगी. जो हमने आपका जो पिछला वीडियो है उसमें डिस्कस भी किया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उससे हमने फेस किए. देखिए फ्रेंड ने नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देखिए और आपको उससे पता चलेगा कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं. टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट. तो क्या किया जाता है, इस कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन करना पड़ेगा. किस किस इस जो प्रॉब्लम जो अराइज हुई है इसको दूर करने के लिए रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना पड़ेगा. दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट. इसके बारे में जो लीडर्स और थिंकर्स बहुत बार सोचते थे और गांधी जी जो हैं उन्होंने भी क्या कहा था, फॉर एग्जाम्पल देखो बताया कि गांधी जी वाज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स. उन्होंने क्या बात बोली, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देंगे. देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनी बॉडीज ग्रीड. लोगों की नीड के लिए तो बहुत कुछ है, काफी है, पर्याप्त मात्रा में है, बट नॉट फॉर एनी बॉडीज ग्रीड. लेकिन एनी बॉडी किसी दूसरे की ग्रीड, उसकी लालच को खत्म करने के लिए, लालच के लिए नहीं है, आवश्यकता के लिए है, लालच के लिए. एक बार जैसे पेट के लिए है रिसोर्सेस, पेटी भरने के लिए नहीं, पेट के लिए रिसोर्सेस है, पेटी के लिए नहीं है. ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड exploitative nature of modern technology as a root cause for the resource depletion at the global level. तो जो root cause क्या है कि global level पे जो resources का depletion हो रहा है, इसका root cause यही है, greedy and selfish individuals. और second, exploitative nature of modern technology. ये भी एक question यहाँ से arise होता है कि global level पे resource का depletion का root cause क्या है, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. क्लियर? ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस. जो है गांधी जी भी चाहते थे मास प्रोडक्शन तो हो, बट तो उसको ठीक ढंग से जो प्रोडक्शन है वो बहुत ठीक ढंग से यूटिलाइज होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट देखिए.
हाँ जी, तो एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमैटिक वे इन 1968 की जो आपका पैराग्राफ है इसे वन मार्क्स क्वेश्चंस बन के निकलते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड था उन्होंने क्या किया था बहुत ही सिस्टमैटिक वे में 1968 में. सबसे पहले रिसोर्स कंजर्वेशन की इन्होंने बात कही थी. सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीयन फिलोसॉफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय शूमाकर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में भी गांधीयन फिलोसॉफी की बात कही थी. कौन सी बुक में? स्मॉल इज ब्यूटीफुल. द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विथ respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report 1987. बहुत important है ये जो Brundtland Commission report में भी जो है आपकी resource conservation की global level पे बात कही थी. और ये जो report है this report introduced the concept of sustainable development. इसमें कौन से concept की बात की थी? Sustainable development and advocated it as a means for resource conservation. और कहा था कि resource conservation के लिए सबसे ज्यादा important बात क्या है? Sustainable development. तो ये बात आ जाती है कि sustainable development की जो बात कही थी कि resource conservation के लिए very important है, कौन सी report में कही थी? ये Brundtland Commission report 1987 में कहा गया था. It has a mean for resource conservation which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. Our Common Future में इस बात को बताया गया था. Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992. हमने पहले बताया था कि एक फर्स्ट समिट हुआ था रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में. उसमें भी इस सब की बात रिसोर्स कंजर्वेशन की बात कही थी. तो ये आपका अभी तक का मैंने ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और इसके हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं आपको इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ. तो हाँ, तो बच्चों आपके सामने ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ये हैंड रिटन नोट्स हैं रिसोर्स प्लानिंग के. तो सबसे पहले देखिए रिसोर्स प्लानिंग में क्यों की जाती है रिसोर्स प्लानिंग, उसकी क्या नीड है. डाइवर्सिटी इज availability of resources need its planning. कि जो resources हैं उसकी जो diversity है उसकी वजह से ही इसकी planning की need होती है. और planning क्या होता है? Strategy for judicious use of resources. Resources को किस तरह से judiciously use किया जाए उसकी क्या strategy होती है वही क्या होगी आपकी resource planning होगी. ठीक है, resource planning in India. जो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग हुई है वो किस तरह से रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में की गई है या की जाती है. तो उसके थ्री फेजेस हैं. सबसे पहले रिसोर्स इन्वेंट्री क्या किया जाता है कि रिसोर्स इन्वेंट्री जो भी रिसोर्सेज हैं उनका सर्वे किया जाएगा, पता लगाया जाता है, फिर उसकी रिसोर्स इन्वेंट्री एक तरह से उसकी सूची बनाई जाती है. तो दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग. इसमें क्या क्या आता है? सर्वे किया जाता है, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री की पूरे कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं उनकी क्या क्वालिटी है क्या क्वांटिटी है उनका सर्वे किया जाता है और उसकी एक इन्वेंट्री बनाई जाती है. सेकेंड फेज क्या है हमारा? एवल्यूएशन किया जाता है, यानी एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है. प्लानिंग स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के थ्रू एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है. स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप कि इसके लिए किस तरह के स्किल की नीड होती है और किस तरह का इंस्टीट्यूशनल सेटअप किया जाए ये सब इम्प्लीमेंट किया जाता है. स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, जो भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप करके एक इवोल्यूशन किया जाता है. थर्ड आता है मैचिंग, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट. पूरे कंट्री का नेशनल यानी पूरे कंट्री का डेवलपमेंट हो
उसके लिए क्या एक समन्वय स्थापित करना होता है, एक मैचिंग की जाती है, यानी कि जहां पर रिसोर्सेज नहीं है वहां रिसोर्स पहुंचाए जाते हैं, जहां ज्यादा है वहां से रिसोर्सेज लेना और जहां नहीं है वहां तक पहुंचाया जाता है। तो एक तरह से पूरा एक समन्वय स्थापित करके रिसोर्स प्लानिंग की जाती है ताकि क्या हो, एक नेशन या जैसे हमारा देश है वो क्या कर सके, डेवलपमेंट अपना कर सके। ठीक है, तो इसी को देखिए, इसको मैंने इसमें आपके ट्रायंगल में दिखाया है, नीचे जो ट्रायंगल आपको दिखाया जा रहा है उसमें देखिए आपको ह्यूमन बीइंग ही क्या कर रहा है, नेचर में जो भी आपका रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके साथ इंटरेक्शन कर रहा है अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू और इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करके। तो ये एक रिलेशनशिप है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। किसके बीच में है ये रिलेशनशिप, आपका नेचर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में, ये आपको एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। इंटरडिपेंडेंट क्यों कहा है, क्योंकि ये एक दूसरे से डिपेंडेंट है। खाली रिसोर्सेज होना ही सफिशिएंट नहीं है ह्यूमन बीइंग्स को, रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के साथ में उसको लिंक करके, उसको ज्वाइन करके एक समन्वय स्थापित करना होगा, तभी एक कंट्री क्या कर सकता है, अपना डेवलपमेंट कर सकता है। तो ये अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो ये प्लानिंग की जा रही है रिसोर्सेज की, उसके साथ में एक बात क्या जुड़ी है कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हो, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है कि इसको कंजर्व किया जाए। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, द जुडिशियस एंड प्लान्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट दोज कैन नॉट बी वेस्टेड। जो भी रिसोर्सेज है वो वेस्ट ना हो, उसके लिए कैसा हो, जुडिशियसली और प्लान यूटिलाइजेशन हो, उसी को हम क्या कहेंगे, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कहेंगे। गांधी जी ने इसे कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, कि सबके लिए है जरूरी, जितनी उसकी आवश्यकता है उतना तो पर्याप्त मात्रा में है, बट किसी की लालच को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है, यानी पेट भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए नहीं है। व्हाट इज द रूट कोज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल, ग्लोबल लेवल पे क्या रूट कोज क्या है रिसोर्स डिप्लीशन का, तो ग्रीडी और सेल्फिश जो इंडिविजुअल है उसकी वजह से रिसोर्सेज डिप्लीशन हो रहा है, और एक एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, आपका रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है। तो आपका यहाँ तक का कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा, नोट से अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। और प्यारे बच्चों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि एसएसटी को मैं आपको इतना इंटरटेनमेंट तरीके से पढ़ाऊं और आपको एसएसटी एकदम हलवा लगे और बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकें, यही मेरी कोशिश है और मेरी कोशिश यही रहेगी। तो मैं चाहती हूँ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो कि मेरी नोट्स हैं, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप इसको देख लीजिएगा और आप उसको फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बच्चों।